मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग में शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सभी को मालूम है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो जब मौसम चेंज हो तो हम उसके हिसाब से उसी जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उसमें दो तरह की चटनी बनाएंगे जो कि रोज घर में यूज होती हैं, तो बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होंगी और बहुत ही ईजी है बनानी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी टेस्टी सी चटनियाँ। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी जो कि घर घर में यूज़ होती है। ये इमली की चटनी बनाने के लिए हमने 150 ग्राम जो है इमली लिए और इसको हमने भिगोकर आधा घंटा भिगोकर इस तरह से जो है इसका एक पल्प निकाल लिया। हमने 150 ग्राम इमली में हमने 1.5 कप जो है पानी का डाला और ये इस तरह से पल्प बनाकर हमने इसको छान लिया है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी डंडियाँ नहीं है, जैसे इमली की डंडियाँ होती हैं वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर छना हुआ जो है ये पल्प है। तो इसको अब हम डाल देंगे एक कढ़ाई में। कोई भी कढ़ाई इस तरह की ले ले या कोई भी पैन आप ले सकते हैं और ये पल्प जो है सारा हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, अब देख सकते हैं बिल्कुल छना हुआ, अच्छे से छना हुआ जो है ये पल्प है। इसको रख देंगे गैस के ऊपर। इमली के पल्प को हमने गैस पर रख दिया और इसमें बॉयल आने ही वाला है। इसमें अब हम डालेंगे अगला इंग्रेडिएंट। वैसे तो मैंने जो चटनी बनाई है उसमें कई बार मैंने जो है गुड़ यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों का मौसम है, गुड़ तो अवेलेबल रहेगा बाज़ार में, लेकिन गुड़ जो है जब हम गर्मियों में लाकर रखते हैं तो बहुत जल्दी गीला मेल्ट होने लगता है, गीला गीला सा हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है उसके अंदर। पर लोग क्या करते हैं कि गुड़ घर में लेकर नहीं आते हैं। फिर चीनी जो है ज़्यादा यूज़ होती है गर्मियों के मौसम में, तो चीनी हम लेंगे इसमें एक कप भरकर। ये मेजरिंग कप है तो ये एक कप के मेजरमेंट है, एक कप भरकर हम इसमें चीनी का डाल देंगे। गर्मियों में अक्सर जो चटनी बनती है वो चीनी से ही बनती है, तो मैं आज आपको गर्मियों के स्टाइल की जो है चटनियाँ बनाने बता रही हूँ। तो ये हम इसमें डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अब इसी तरह से हम एक बॉईल आने देते हैं। इसमें चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। इस चटनी को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी स्नैक खाएं तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। स्नैक ही नहीं, आप इसमें चाट पापड़ी बनाएं, आलू की टिक्की बनाएं, उसके ऊपर ये डालकर खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी यमी बनती है। तो इसी तरह से इसको बॉईल कर लेते हैं और इसको जो है लगातार हिलाते हुए हमने बॉईल करना है। तो एक कप चीनी जो है इसमें मैंने पहले डाल दी है, आधा कप मैं चीनी इसमें और ले रही हूँ। तो आधा कप चीनी मैंने और डाल दी है, इसको भी अच्छे से मिक्स करके मेल्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है, लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा और बॉईल आने देंगे और इसको हल्का सा हम इसको गाढ़ा करेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसमें बॉईल आ रहा है, लेकिन अभी जो है हमारी चटनी पतली है खूब, ये देखिए अभी काफ़ी पतली है, तो इसको अभी थोड़ा सा गाढ़ा ही करेंगे। लगातार हिलाते हुए हमने इसको गाढ़ा कर लेना है, लेकिन अब हम इसमें डाल देंगे कुछ अपनी चीज़ें, जैसे कि मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपना नमक। नमक हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, काले नमक से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो हमने इसमें जो है आधा चम्मच के करीब काला नमक डाल लेना। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे चटनी का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे बाजार की चटनी का आता है। तो एक चम्मच भरकर हम जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ डाल देंगे। आराम से बाजार में अवेलेबल होती है ये सब चीज़ें, किसी भी ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगी। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम बिल्कुल एक पिंच काली मिर्च का पाउडर। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये चटनी बनेगी तो आपको टेस्ट इसका इतना बढ़िया लगेगा कि आप इसको हमेशा बनाकर रखेंगे। इसको लंबे समय तक आप बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में किसी भी बॉटल में डालकर, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर, कोई भी आप फूड कलर डाल सकते हैं, आप चाहे तो लिक्विड डाल दें, आप चाहे तो पाउडर फॉर्म वाला डाल दें। मैं पाउडर फूड कलर डाल रही हूँ, रेड फूड कलर डाल रही हूँ इसके अंदर एक पिंच। मिक्स कर लेंगे, ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया इसके अंदर। तो इसको अच्छे से बॉईल आने देते हैं इसके अंदर थोड़ा और। बिल्कुल ऑप्शनल है डालना, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। अगर आप ब्राउन कलर ही चाहते हैं तो आप रहने दें, नेचुरल कलर रहने दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बाजार जैसा आपका कलर हो तो आप डाल दें थोड़ा सा। तो ये अभी हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। नमक डालना भी चटनी में बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं डालें, नहीं तो आप इसी तरह से भी रहने दे सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि नमक के बगैर ही पसंद करते हैं, ज़्यादा नमक नहीं पसंद करते हैं, तो आप नमक के बगैर काला नमक बेशक आप चाहें तो ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्नैक कई बार हम बनाते हैं उसमें ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है, तो
तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी। तो आप चाहें तो बिल्कुल नमक आप ओमिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया, ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। गैस को स्टेज पर बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी अगली चटनी, यानी कि धनिया पुदीने की चटनी। तो इसकी मिक्सी का जार लेंगे किस तरह का, और इसमें डालेंगे धनिया। ये धनिया हमने लिया है, अच्छे से हमने धनिया को वॉश कर लिया है। ये मेरा घर का उगा हुआ धनिया है, बहुत ही बढ़िया उगा हुआ धनिया, फ्रेश बिल्कुल धनिया मैंने लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और हल्की हल्की आप देख सकते हैं इसमें पतली पत्ती जो है डंडियाँ इसमें हमने डालनी है। ये इसी तरह से मैंने रहने देना है, बिल्कुल भी पत्तियों डंडियों को हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि डंडियाँ जो है बहुत ही फ्लेवरफुल होती हैं, तो डंडियों को ज़रूर यूज़ करें। इसको काट कर कई लोग फेंक देते हैं, खाली पत्ते पत्ते की जो है वो चटनी बनाते हैं, तो ऐसा ना करें। धनिया की जो डंडियाँ हैं ये ज़रूर डालें इसमें। तो इस तरह से धनिया जो है मैंने एक गुच्छी धनिया की ले ली है, और इसमें अब हम मैं डालूँगी पुदीना। ये पुदीना भी बिल्कुल फ्रेश है, एक कप आधा कप जो है मैंने पुदीने का लिया है। ये भी मेरे घर में उगा हुआ फ्रेश ऑर्गेनिक पुदीना है। इसको भी मैंने हल्की हल्की डंडियाँ इस तरह से रहने दी हैं और बाकी मैंने इसमें डाल दिए। तो ये अच्छे से वॉश कर लें, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें एक प्याज, एक छोटा सा मीडियम साइज़ का जो प्याज है वो हमने लिया है, वॉश करके इस तरह से कट करके डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी दो हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हैं, कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे नमक, नमक मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच। इसके अंदर आप डालेंगे फिर वही जो पहले चटनी में मैंने डाला था, जो बाजार का टेस्ट लेके आता है वो है जिंजर पाउडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, ज़रूर डालिएगा। एक चम्मच भर कर जो है मैं जिंजर पाउडर का डालूंगी। इसके साथ ही खट्टापन लाने के लिए इसमें हम आज कोई अमचूर पाउडर नहीं डालेंगे, आज हम इसको बनाएंगे खट्टा करेंगे नींबू के साथ। तो ये नींबू का रस डाल देंगे इसमें। तो आप कहेंगे कि सारी चीज़ें घर की हैं, सच बोलूँ तो नींबू भी मेरे घर के नींबू हैं, तो इसको भी मैंने जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आज मैं ये चटनी बना रही हूँ। नींबू निचोड़ लेंगे इसमें, तो तीन से चार जो है इसके अंदर नींबू डालूंगी। नींबू का साइज़ हल्का छोटा ही है, इस साइज़ के नींबू हैं आप देख सकते हैं। तो ये साइज़ के नींबू तीन चार खट्टा, जिस तरीके से आप जितना खट्टा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। बड़े जूसी, काफ़ी जूसी नींबू हैं जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी इसके अंदर जूस है। तो मैं इसमें तीन नींबू डाल रही हूँ, बाद में अगर मुझे लगेगा कि इसमें और ज़रूरत है तो वो और डाल सकता है। तो नीचे तीन नींबू हमने रस निकाल लिया, तो इसको पीसने से पहले हल्का सा इसमें मैं पानी डालूँगी, तकरीबन दो बड़े चम्मच। अब इसको हम पीस लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो लीजिए हमने इसको पीस लिया है, इसमें मैं तकरीबन 1/3 स्पून के करीब मैं इसमें नमक और डालूंगी, और इसके साथ ही मैं इसमें नींबू और डालूंगी। तो ये नींबू निचोड़ लेते हैं इसमें, और तकरीबन मैं दो छोटे नींबू और डाल रही हूँ इसमें। बहुत ही बढ़िया सा कलर आ रहा है इसका, एक बार इसको मिक्सी में और घुमा लेंगे। तो एक नींबू तो हमने डाल लिया, एक और काटते हैं और उसको भी डाल लेते हैं। आप कम पसंद करते हैं खट्टा तो आप थोड़ा सा कम खा सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्वांटिटी जो है थोड़ा खट्टे पर में ही रखूंगी इसको। इसको पीस लेते हैं, इसलिए हमने इसको चेक कर लेते हैं। तो लीजिए परफेक्ट चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर, इसका कलर, इसका टेस्ट, खट्टा तीखा सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है इसका। तो इसको अब हम डालेंगे अपने सर्विंग बोल में। तो लीजिए दोनों चटनियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ ये इमली की चटनी के पहले। तो ये देखिए किस तरह की इमली की चटनी है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। जब आपकी चटनी थोड़ी ठंडी हो जाए तो इस तरह की आपकी चटनी हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की। ये देखिए बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, ये देखिए। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी हरी चटनी। इसका कलर देखें कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा पतली है, इससे ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है, कलर भी परफेक्ट है, टेस्ट भी परफेक्ट। तो दोनों चटनियाँ अगर आपको मेरी पसंद आ रही हैं तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने चटनी बनाई तो आपकी कैसी बनी। पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि रोज़ की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।